बहुत जगह है, नई जगह। अरे बहुत जगह है। तो गाइस आज हमारे साथ बढ़िया तगड़ी बेटी हो चुकी है। कब आया है ये असली आई भाई? ये बात ना मैं पिछले 100 कसम से कह रहा हूँ, जब दिल्ली से बैठा हूँ ना तब से सुन रहा हूँ। फाइनली हम लोगों ने आधी डिस्टेंस कंप्लीट कर ली है अपनी। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। एक और टोल गाइस, टोल रोड प्रारंभ। गाड़ी की कंडीशन आप लोग देख सकते हो भाई, लाजवाब होगी, ट्रस्ट मी। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो हम लोग शुरू कर चुके हैं अपना सफर विद प्रिंस पाजी। एंड पाजी कैसा मजा आ रहा है? अच्छा भाई, आपके लिए वैसे प्राउड मोमेंट है ना कि आप अपने भाई की जैसा गाड़ी चलाते हो, आपको अच्छा फील होता है ना? बहुत बहुत अच्छा यार। अभी आपके छोटे छोटे भाई हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क। अभी साल और अच्छी सी बड़ी बड़ी और बढ़िया गाड़ी लेंगे। तो पाजी की शरण में आ चुके हैं गाइस। तो पाजी कह रहे हैं यार मतलब अच्छा फील होता है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। पाजी ड्राइव कर रहे थे ना, पूछ गया यार कितना अच्छा लगता है। नहीं सोरे, तुझे कैसा लग रहा बेटा? ओके सोरे ना, मुंबई जाने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं है जितना भाई रोड जाने के लिए एक्साइटेड है। मैं कहता हूँ अगर तू ज्यादा एक्साइटेड है तो पीछे लटका लेते हैं गाड़ी की। ये बहुत एक्साइटेड था ना, जब हम बॉम्बे पहुंचने लगे ना, ये सेम चीज दोबारा पूछिए भाई कैसा लगा, ये ऐसे होगा दोबारा नहीं आऊंगा गाड़ी में नहीं आऊंगा पाजी कहते जीजू भूख लग रही है। जीजू भी आउट थे उस टाइम। जीजू की सबसे बड़ी बात है चश्मा लगा के सो रहे हैं। तो कहते जब आप फोन पे बात करते ना, कहते मुझे आगे ये तो बता मैं कितनी देर सोया। मैं क्या, मुझे खुद नहीं पता। कहते जल्दी सो गए थे। कहते कितनी वहां से तो मैं एकदम सो गया मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने एक प्रॉपर नींद नहीं ली। तो मुझे लगा मगर ज्यादा तो नहीं अभी हम चले। अच्छा पाजी इस बार मेरे में खुशी में भी शर्त लगी है कि खुशी उधर से व्लॉग बना के डालेगी विद फैमिली, इधर से हम डालेंगे। देखते हैं किसका ज्यादा पसंद करते हैं। देख भाई मैं बताता हूँ, जहाँ राजा जहाँ राजा जहाँ फैमिली व्लॉग, तो वहीं के चलते हैं। हमारे भी चलेंगे, हमारे आसपास रहेंगे, टेंशन मत ले, हम कंप्लीट कर लेंगे। गाइस ये वाला व्लॉग हार सकते हैं, पर उसके बाद खुशी भी तो जब अकेले व्लॉग बनाएगी तो साथ और हम दोनों बनाएंगे तो हम जीत जाएंगे और हम राजा के ज्यादातर करीब रहा करेंगे, राजा के हम ट्राई करा करेंगे। सो गाइस अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है प्लीज आप ट्राई करो हमारे व्लॉग्स को, ज्यादा शेयर करो उनके। वो अपने मेकअप मुकअप का दिखाना दोनों शुरू कर देंगे, फिर हम गए, फिर नहीं कोई रोक सकता उनको, क्योंकि देखो लड़के को पसंद भी आएगी कौन सा मेकअप है। भोले बाबा रोकेंगे, भोले बाबा पावर मार दो जरा हमारे चैनल पे। लेकिन भगवान जी सारे हैं पूरे एकदम, हनुमान जी सब रोक सकते हैं, सब रोक सकते क्योंकि आपके पीछे कृष्ण जी हैं एकदम खड़े हुए। सो अभी हम लोग चल रहे हैं और अभी रीजन क्या है कि मैं गाड़ी चलाऊंगा थोड़ी देर और पाजी बैठेंगे साथ में मेरे और कुछ नई कहानियां सुनाते हुए जाएंगे मुझे। पाजी कोई अच्छी सी कहानी सुना दो। अच्छा अच्छी सी कहानी तो एक काम करते हैं, अभी वो वाली वीडियो बनाते हैं, एक और बैग लेके आते हैं, किसी का किसी को रास्ते में बिठाते हैं। बहुत जगह है, नई जगह। अरे बहुत जगह है, नई जगह है, अभी रास्ते में करेंगे ठीक है। पक्का जाओ, छाव होगी ना पाजी, याद दिलाना प्लीज ठीक है। ठीक है मेहर पाजी ने कुछ तगड़ा करा भी नहीं कई दिन से ना, आज करके अभी डालते हैं। मैं पाजी आप बैग ला के करना कि अरे बहुत जगह है, मगर नहीं जगह है, कहते अरे बहुत जगह है। तो गाइज आज हमारे साथ बढ़िया तगड़ी बेटी हो चुकी है, तो रास्ते वास्ते भटक चुके हैं गाइज हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, आज हमें अपनी सुपर पावर्स यूज़ करनी पड़ेगी। तीनों लोग यूज़ होंगे, मैं भी, पाजी भी एंड जीजू भी। तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है गाइज। जाना चाह रहे थे जयपुर की तरफ से आगे एमपी की तरफ से, तो जितने मेरे एमपी वाले मित्रगण हैं, वीके फैम है, आपको बहुत सारा प्यार एंड मेरी तरफ से बहुत बड़ा नमस्कार। नमस्कार। तो गाइज हमें कई घंटे हो चुके हैं चलते चलते, और जैसे कि मैंने कहा था वो थैंक गॉड मुश्किल से एक घंटा उसमें से कम हो गया पर ये कम नहीं हो रहा, सिर्फ समय कम हो रहा है। उसकी वजह है ये हाईवे जो लेकर आया है मुझे इस हाईवे पे, ये इंसान जिसने बोला भाई आप टेंशन लो मुझे रास्ते पता नहीं वाले। पाजी बिल्कुल सही है, पाजी मैं बताया कि ट्राई तो बिल्कुल सही है। अब बेचारे की खुद कैसी लगी है कि वो सुसु भी करने जा पा रहा, फिर रुके कहां, कहीं स्थिति भी नहीं है, अभी ना पेट्रोल पंप पर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा यार। भाई देख लो ये हाईवे तो देख लो, एक मिनट, इस हाईवे का नंबर क्या है? सिंगल रोड हाईवे। उसके बाद फिर हमने सर्च किया कि ये हाईवे यहां से 9.2 किलोमीटर है, टर्न दिखाएगा उसके बाद NH46। हमने फिर YouTube पे सर्च किया तो YouTube पे देख लो क्या इसका व्यू आया है कि पहली बारिश भी नहीं झेल पाया NH46। तो भाई और हम जा रहे हैं NH46। वाह गाइस बोलो पाजी, बातियां तो है देखो, लेकिन मैंने लोखंड वाला वाइब दे दिया आपको यहीं पे, लोकल में लोखंड वाला नहीं, नावला, सॉरी लोनावला वाइब दे दी, लोकल में लोनावला वाइब। हां
मुझे लग रहा है वो हाईवे पर आया है। हाईवे ये असली हाईवे भाई, ये बात ना मैं पिछले 100 कसम से कह रहा हूँ, जब दिल्ली से बैठा हूँ ना तब से सुन रहा हूँ, ये है हाईवे, ये है हाईवे, वो हाईवे नहीं है भाई। जब आपने मेरे से पाजी वो पूछा कि मैं आप लगा लेके, मैं कैसे कर रहा था मुंह को बता दियो हैं, जब मैंने आपने मेरे से पूछा विवेक मैप लगा दिया बट हाँ, तो हाँ यार, तो मैंने जो बोला ना विवेक को, विवेक मैप गूगल कहता पाजी मतलब इधर देखो इधर, ठीक है, मैंने कहा वो ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद अभी तक हम गलत रास्ते पे हैं, उसकी वजह सिर्फ ये इंसान है। जब तक मैं गाड़ी चला रहा था तब तक हम सही रास्ते पे थे। गाइस मुझे बेस बना के दे दिया गया था कि बेटा अब मैंने बेस बना दिया, अब तू संभालेगा आगे, चलो चलते हैं भाई। अब तो लेकिन वाइब आने लगी, आपको झूठ मत बोलो, वाइब आएगी अब से 5-7 मिनट बाद, बहुत गजब वाइब आएगी, वाइब आएगी या तो वाइब आएगी या 2 दिन के बाद इसकी वाइफ आएगी यहाँ लेने कि चलो तुम्हें बताती हूँ मैं। मेरी वाइफ भी जरूर आएगी, वो तो यही प्लेन लैंड करवा देगी, जाट है भाई, तैयार हो रखा भाई साहब, यही 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 चलो, चाहिए दोनों, चाहिए मुझे मेरा पति भी और मेरा भाई भी। तो भाई मेरा आ चुका है पहला रेस्ट, इसके बाद आएगा पाजी का रेस्ट, पाजी का वो आएगा इसके बाद सेशन। सो अभी मैं शोर बैठे आराम से पीछे रिलैक्स करेंगे। सो ये आ चुका है हमारा नेक्स्ट टोल, नंबर आप काउंट करते रहना, और 8th नंबर है शायद, और इससे पहले से ना मेरे से मिसिंग हो गए थे गलती से 2 या 3 टोल, तो वो 2 टोल मिसिंग हो गए थे, तो उस हिसाब से आप हिसाब लगाना। बाजी मैं क्या आज तो गाड़ी को लग रहा हूँ, आज गाड़ी है खैर यार ये जा कर रहे, आज तो कहता रुक नहीं रहे ना, तो ये चौधरी साहब का रूट भी तो नहीं है ना, तो ये रुड़की जा रहे हैं ना, ये पंजाब जा रहे हैं ना, ये भयंकर दिल्ली जा रहे हैं, ये तो जाते ही जा रहे हैं बस, और ये सांप सा ना नीले से रंग का बढ़ते ही जा रहा है जी जी मैप में। ओ भाई घट रहा है ऐसा मत बोल, अब बढ़ाओ से। चलो बढ़िया है, अपना थोड़ी बहुत देर और लगेगी हमें गाइस पहुंचने में, थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे, बस 19 घंटे और, बस अभी मैं सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बोल रहा, नहीं बॉडी ने तो कह दिया कि कब को आएगा भाई मुंबई। और ये यहाँ पर एक और टोल, टोल नंबर 9 टोल नंबर ये, और जी जो हमारी ट्रिप कितने किलोमीटर की हो चुकी है, हमारी ट्रिप बस अब ये एक घंटा घट गया इस बार, हमारी ट्रिप कम हो रहा ये हो जाएगा, हमारी ट्रिप जी जो 634 किलोमीटर, ओ 634 किलोमीटर हम चल चुके हैं, 635 बल्कि पूरा, वाह लवली गाइस लवली। हम लोग वेट कर रहे हैं कुछ भोजन ग्रहण करने की, मुझे लग रही है बढ़िया वाली भूख, और मन कर रहा है तंदूरी रोटी, तीन बार तंदूरी रोटी साथ में दाल मखनी, ओए होए 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 होए, पानी आ गया मैं कह रहा हूँ मुंह में एकदम, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी मंगाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक लोगे भाई, अगर मैं ही ऑर्डर करूंगा तो आप क्या करोगे, आप बोलो कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक नहीं, तो मैंने कहा बस कोल्ड ड्रिंक हो रहा है कहीं। अजी कैसा जा रहा है रोड ट्रिप? बहुत सही भाई, मैं यहाँ पे मूंगफली खाई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मूंगफली है कैसी, मैं दिखाता हूँ, मैं एक तो ये मिट्टी में भूनते हैं इनको, मिट्टी में लिटरली मिट्टी में भाई, ऐसे लग रहा है मैं मूंगफली नहीं मैं बादाम खा रहा हूँ, व्हाइट कलर की लिटरली व्हाइट, इतनी टेस्टी है ना यार, मस्त है ना, हाथ गंदे हो रहे हैं पूरे, हाँ, और अब गेनिंग पर खाने हैं, अब गेनिंग होना है ना पाजी की एक हफ्ते तक, तो इसलिए अभी हम लोग पीने वाले हैं कुछ शेक। हाँ जी पाजी, हाँ जी किदा उदय तू किदा, नहीं जगह है, अरे बहुत जगह है, अब नहीं अब सही में नहीं जगह है पाजी, वैसे फाइनली हम लोगों ने आधी डिस्टेंस कंप्लीट कर ली है अपनी, एंड सच में ऐसे पिहाड़ जंगलों में खड़े हैं कि कोई खा भी नहीं सकते अपने मन से। हमारी ट्रिप हुई थी इतनी पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट की भाई, अभी तो हम स्टैचू ऑफ यूनिटी देखेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, ओ अभी खाने लगा था पहले गिर गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फोन तो गिर गया उसके बाद उसे कोई चक्कर नहीं है, पर मेरे को उससे बीच में याद आई, हाँ थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे ये बात करता कि भाई चलो आगे जाके मैकडोनल्ड्स रुकते हैं या के एफ सी वगैरह रुक जाएंगे, कुछ खा लेंगे पी लेंगे, तो मुझे लिख के एफ सी ले आया है, और यहाँ लिखा हुआ शांति ढाबा, तो पर हमने दोनों को छोड़ के शांति ढाबा जा रहे हैं, सेलेक्ट कराएगा क्योंकि केएफसी में वो बात ही नहीं रही, यहाँ यार इंडियंस यार हम अपने इंडिया को प्रमोट करेंगे, हम शांति ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट, क्या बात है,
भैया आपको पैसे आपको बनते नहीं देने बनते हैं, इंटीग्रेशन कर दिया आपके हमें पैसे दो ये देखो भैया। अरे कैसे हो भैया, हाय बोल दो सबको। अरे क्या बात है, चलो भाई फिर अब भोजन ग्रहण करते हैं जल्दी से। क्या अभी डाइट पे चल रहे हो ना? सैलेड आ गया। नहीं मैं सिर्फ मिर्ची खाऊंगा और कुछ नहीं इसके अलावा। भाई प्लीज यार, कोल्ड ड्रिंक किसने मंगाई है? आपने बोला। मैंने बोला। अच्छा क्या, तो चलो तो आन दो ये डाइट फैंटा पी रहा हूँ गाइस। चलो गाइस शुरू करो डाइट। आप लोग मैं डाइट कर लें ऐसी डाइट तो यार ये तो गलत बात है। तो हमारी जीजू ही है तो धर्म तो जीजू का ही बनता है। माना कि हम कलाकार, ये भी तो हमारी कला का ही एक भाग है। जीजू घर की जेब काटो तो भाग है जब तक जीजू और साथ है। बहुत अच्छा फूड है भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फूड है। थैंक गॉड फाइनली हम लोग 3 डिजिट में घुसे हैं। 999 किलोमीटर यहाँ से रहता है। कांग्रेचुलेशंस गाइस। मैं भी कह रहा जीजू रोड इतनी अच्छी क्यों आ गई थोड़ी देर के लिए, टोल भी तो लेना है। तो ये आ चुका है एक और टोल, 12th नंबर आई थिंक, और हमारा किलोमीटर बचता है 944। सच में भाई शरीर ऐसे हो गए हैं जैसे शोले को देखो आप। टोटल 700 ये आ गया है 17वां टोल। एक और टोल गाइस, टोल रोड प्रारंभ। मजा आ गया गाइस आज तो भाई, मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही लग रहा है कि रोड पे टोल बनाया, ऐसा लग रहा है टोल पे रोड बनाया। हाँ बिल्कुल वही लग रहा है कि ना सच में, मतलब ये तो बिल्कुल जम गया आज। ये ना ऐसा लग रहा है भाई 16 मिनट लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये कमी नहीं होने में आ रहा, एक एक मिनट ऐसे गिर रही है, कब के चले हुए। एक और टोल टैक्स, वाह भाई वाह वाह, टोल पे टोल आई जा रहे हैं पाजी, बस मजा आ गया आज तो लाइफ में। बाकी जीजू और शोरे सो रहे हैं, हम लोग टोल के मजे ले रहे हैं। 40वां टोल भाई, कहाँ जा रहे हो? इधर है, इधर है भाई, इधर है भाई। जिया जी निकाल रहे, मतलब मैं चला लूंगा। देखियो चलाने वाला इंसान कैसे हो रहा है। ठीक है तुम टेंशन मत लो यार, मुझे नींद नहीं आती, अब मैं 700-800 किलोमीटर चला लूंगा। 700 तो रहे भी नहीं है यार। क्या कहना चाहेगा? कुछ भी कहने लायक छोड़ा ही जा रहा भाई, कुछ भी कहते भी वे कि जब तुम जितने उससे चल रहे हो ना भाई, पर अब इज्जत चलानी जिया जी की, हमें घर पे बोलना है कि सिर्फ जिया जी ने गाड़ी चलाई है। ठीक है भाई, करके करके उनको व्लॉग में पता लगे कि जिया जी क्या कर रहे थे सारे रास्ते। इससे बढ़िया बिना मुंबई के ही ठीक थे ब्लॉग, तो रेगुलर आ रहे थे। अब देखो लैपटॉप खुला पड़ा भाई, देखो तो इसको हवा लग जाए, बोले कि भैया पहले हम बीच घूम के आएगा। अरे भैया पहले दो दिन में एक डाले। मेरे ख्याल से 18वां टोल ये भाई यहाँ से है, उस साइड से इतने नहीं है, ये तेरी गलती की वजह से टोल आ रहे हैं। तुमने जिया जी ने पहले ही बोला, अरे हाईवे रोड है देखो टोल ही टोल है। दो टोल ही टोल। बड़ी बोड़ी भैया क्या करूं, क्या है क्या आई थी कि ऐसे ऐसे व्लॉग कर देंगे रास्ते में, ट्रेवल सीरीज दिखा देंगे लोगों को, खुद की सीरीज बनी पड़ी ट्रेवल सीरीज हमारी। भगवान है ईश्वर, अगली बार जब मैं मुंबई आऊँ बस टोल के पैसे अलग से लेके आऊंगा। ये हमारा शायद 22वां टोल ना हो, पता नहीं क्या, अब तो मेरी गुना बात खराब होगी। ये रहमो करम से हम 1-2 मिनट के लिए टोल से बच गए, चाय पीने के बहाने से। गाइस 19 दिन से निकले हुए हम लोग घर से, फिर खा के फिर चलते है। 18वां हमारा स्टॉप था ये, 22वां हमारा टोल है ये। और क्या चल रहा है लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा, और इधर कुछ नहीं पता लग रहा फिलहाल तो, बस मैं आप लोगों को घर पे जाके दिखाऊंगा। विदाउट स्टॉप चल रहे हैं, मतलब लाइक हम लोगों ने सोचा ही नहीं एक बार भी कि रात को सोता भी है इंसान, कमाल है भाई। और 3-4 घंटे बाद तो 24 घंटे में हो भी जाएंगे। लो फिर सोने में सुहागा पकड़ो। जीजू कौन सा टोल आ गया? बस टोल का तो पता नहीं, जैसे जैसे ड्राइवर बदलते जा रहे हैं ऐसे ऐसे टोल भी बहुत जल्दी जल्दी आते जा रहे हैं। 25वां तो नहीं है, 24वां है वैसे इसका। इंदौर, अच्छा इंदौर का है ये, इंदौर हाईवे तो सो रहे हैं। लेकिन आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव टूर माना जाएगा अगर इस हिसाब से टोल आएंगे तो। सच में बता रहा हूँ भाई, कसम खा के इतनी गंदा मैंने नेशनल हाईवे अपनी लाइफ में कोई देखा है, इतना गंदा और इतने महंगे टोल, और टोल की भी ये हद हो रही है 10-15-20 मिनट में टोल आ रहे हैं। और चलो टोल ले रहे तो कम से कम रोड तो सीखा हिसाब की बनाओ भाई, इतना बुरा हाल।
मुझे जहाँ तक मैंने सुना था प्रिंस भाई कि 1.5 से 2 रुपए किलोमीटर का इंडिया में चार्ज है रोड्स का टैक्सीज का, पर मुझे तो लग रहा है 4-5 रुपए किलोमीटर ना हो जिस हिसाब से टोल ले रहे हैं। अब देखते हैं बाकी तो ट्रांजेक्शन से पता चलेगा जब विवेक ट्रांजेक्शन बताएगा कितने कितने पैसे गए। लेकिन ये कुल मिला के शौर्य कौन सा था अभी ये हमारा 28, 29 या 30 हो गए हो? 29 हम लोग मुंबई में है ना। अब तो चलो घर ही आ गए अपने, अब तो साला जब फालतू टाइम लग जाएगा 15 मिनट फालतू लग जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। जीजू ने इस बार बहुत तगड़ी हिम्मत मारी थी ना, 400-450 किलोमीटर मारा, 470 किलोमीटर मार के मतलब प्रिंस पाजी और मैं पीछे थोड़ा आराम करने लगे थे, थोड़ी वो वीडियो वगैरह देखिए थोड़ा आराम करा, और 470 किलोमीटर का पैच मार के जीजू ने कहा भाई आगे जब जब क्या नहीं, श्री पाजी ने कहा आप पीछे जाओ अब हम देखते हैं। अब लिटरली हम लोग ना भाई किल हो गया और हमारी डिस्टेंस जो बचती है जस्ट बचती है 23 किलोमीटर, और आपको मुंबई की ट्रैफिक का पता ही है कि यहाँ पे भी 1.25 घंटा हम लोगों को दिखा रहा है 23 किलोमीटर में भी। जाके पहले करेंगे आराम बहुत सारा, जाते जाते 25वां टोल रोड ले लो गाइस, 25 नहीं 30वां हो गया भाई। मैं तो सच बता रहा हूँ मतलब मैंने काउंट करने वाला हूँ घर जाके भाई, कुछ तो हमने शूट नहीं करे पाजी क्योंकि हम इतने गुस्से में थे ना उस टाइम, क्योंकि एक तो हमने स्टार्टिंग में गलत रास्ता जो है वो सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि गलत रास्ता भी नहीं मतलब पता नहीं क्यों, क्योंकि देखो जब आप कहीं स्पेसिफिक मान लो दिल्ली टू चंडीगढ़ आ रहे हो पाजी तो आपको पता है पर्टिकुलर कि 220 या 250 किलोमीटर है और आपको 7 घंटे लगने हैं। अभी 1 किलोमीटर इतना था, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ भाई रोड, कसम खाओ तेरी मुंडा में मैं तो अपनी वो हट करवा के ना भगवान के साथ चलता ही जाता जाए, अब काम हो जाता वाशिंग मशीन पहुंच जाता है घर जाके। बच गई भाई साहब जान, पाजी कहते विवेक राइट ले लो सीधे चलो, मैं सीधे चलो कहते हैं वाह गाइस क्या ये बढ़ेगा, क्या ये बढ़ेगा, क्या क्या ये क्या है हमारी कोई जीत करेगा या 54 ही रहेगा, क्या ही रहेगा तो इज्जत बची रहेगी 52 किलोमीटर बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है आगे, कोई चक्कर नहीं है अड्डा भी, कोई चक्कर नहीं है। गाड़ी की कंडीशन आप लोग देख सकते हो भाई, लाजवाब होगी ट्रस्ट मी, वाव वॉश ना कराई ना भाई साहब पटक जाएगी। तो फाइनली हम लोगों का सफर होता है यहाँ पे खत्म, 1600 किलोमीटर हम लोगों ने ड्राइव किया भाई, मजा आ गया। ऊपर चलते हैं आप लोगों को बताते हैं, खाना आ चुका है हमारा, तो भूख लगी हुई है भाई। वेलकम ब्रो, वेलकम वेलकम। यस तो ये है हम लोगों का आज का आशियाना, हम लोग यहाँ रुकने वाले हैं, चाय आने लग रही है। कैसा लगा रूम, अच्छा है ना, कंफर्टेबल है ना? और ये है शौर्य का बेड और विद द लग्जरियस व्यू ब्रो, नेक्स्ट लेवल। एसी में चला रखा हूँ बहुत देर से, बढ़िया हो गया अब।